नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि आपके घर में, आपके घर के आसपास, आपके जान पहचान वालों में कई लोगों को गठान की समस्या हो जाती है। ये गठान छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, छूने पे कड़क हो सकती है, सॉफ्ट हो सकती है और शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती हैं। इन्हें हम रसोली भी कहते हैं, गठान भी कहते हैं और इन्हें सिस्ट भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ये सिस्ट हमें क्यों हो जाती है, इनके कारण क्या होते हैं, हमें सिम्टम क्या आते हैं, ये कैसे बन जाती हैं शरीर में और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है और इसके हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बीमारी में स्किन की या त्वचा की अंदर की लेयर में एक थैली नुमा या पॉकेट नुमा स्ट्रक्चर बन जाती है और इसमें लिक्विड भरा हुआ होता है। ये लिक्विड जो होता है वो गाढ़ा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है और यदि वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा तो यही लिक्विड पस में भी बदल सकता है। कभी कभी यहाँ गैस भी भर सकती है। दोस्तों, वैसे तो देखा जाए तो ये बेनाइन ही होते हैं, मतलब इनमें कोई कैंसर के लक्षण नहीं देखे गए हैं। अब हम यहाँ पर इसके कारणों की बात करेंगे और हम यह समझेंगे कि ये सिस्ट हमारे शरीर में क्यों हो जाते हैं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पेशेंट को यदि कोई चोट लगी है, कोई ट्रामा हुआ है तो पेशेंट को उस पर्टिकुलर हिस्से पे सिस्ट हो सकता है या किसी इन्फेक्शन के चलते भी पेशेंट को सिस्ट हो जाता है। और आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी हम जब कान या नाक छिदाते हैं तो वहाँ पर ऐसे गठान जैसी छोटी सी स्ट्रक्चर हो जाती है। तो जब हम पियर्सिंग करवाते हैं तो भी लॉन्ग टर्म में लोगों को सिस्ट या गठान देखी गई है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है दोस्तों कि जब हमारे शरीर की सेबेशियस ग्लैंड किसी भी कारण से ब्लॉक हो जाती है या बंद हो जाती है तो वहाँ भी सेबेशियस सिस्ट होने के चांसेस होते हैं। अब हम यह समझते हैं कि ये सिस्ट या गठान हमारे शरीर में डेवलप कैसे होते हैं, मीन्स इनकी पैथोलॉजी क्या होती है। एक्चुअली होता क्या है, हमारे स्किन के अंदर की लेयर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो आपस में जुड़कर एक थैली नुमा स्ट्रक्चर बना लेती है और वहाँ पे तरल पदार्थ या लिक्विड भरा हुआ होता है। ये गाढ़ा हो सकता है, पतला हो सकता है और यदि यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ तो पस भी हो सकता है और फिर ये हमारे शरीर में ऐसे उभरी हुई स्ट्रक्चर बना लेती है और ऊँचा ऊँचा दिखाई देता है। इसे हम रसोली कह सकते हैं, गठान कह सकते हैं या सिस कह सकते हैं। वैसे तो इसमें ज़्यादा दर्द या पेन नहीं होता है, लेकिन यदि कोई इन्फेक्शन हो गया है तो पेशेंट को वहाँ पे लालपन आ सकता है, सूजन हो सकती है, वहाँ उसको इन्फ्लेमेशन हो सकती है और वहाँ दर्द हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि यह सिस्ट कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि पाइलोनाइडल सिस्ट क्या होता है। एक्चुअली होता क्या है, हमारे शरीर की जो टेल बोन होती है, जो दोनों हिप्स के बीच का हिस्सा होता है, वहाँ जो टेल बोन होती है वहाँ सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं। और दोस्तों, इस सिस्ट के अंदर डेड टिश्यूज़ हो सकते हैं, हेयर पार्टिकल्स हो सकते हैं, क्योंकि उसका लोकेशन ऐसा होता है। पेशेंट को यहाँ बहुत ज़्यादा पेन भी मिल सकता है और इसको ठीक होने में टाइम लगता है। नंबर टू होता है चेलेजियन सिस्ट। ये हमारी आँखों के पलकों के अंदर की तरफ हो जाते हैं, ये ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं। इसका मेन कारण ये देखा गया है कि हमारी आँखों में टियर ग्लैंड्स होती हैं, वो किसी कारण से ब्लॉक हो जाती हैं। ब्लॉक होने के कारण क्या होता है, वहाँ पे सिस्ट फॉर्म हो जाता है। और इस टियर ग्लैंड का काम ये होता है कि वो हमारी आँखों में नमी देती है, तो वो लिक्विड यदि स्टॉप हो जाएगा तो वहाँ सिस्ट बन जाता है और पेशेंट को वहाँ पे लालपन महसूस होगा। और आँखें एक बहुत सेंसिटिव हिस्सा है, इसलिए पेशेंट को वहाँ पे पेन भी होता है और कभी कभी ये तकलीफ़ अपने आप कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है, नहीं तो कभी कभी ये गठान का रूप ले लेती है। इसे हम स्टाई कहते हैं और इसे घुलने में टाइम लगता है। महिलाओं में दो तरह के सिस्ट बहुत कॉमनली देखे गए हैं। नंबर वन, ओवेरियन सिस्ट। यह महिलाओं की ओवरी के सरफेस पे या अंदर की तरफ हो जाते हैं। नॉर्मली ये एक दो महीने में, चार महीने में ठीक हो जाते हैं, लेकिन यदि ठीक नहीं होते हैं तो इलाज ज़रूरी है, क्योंकि ये महिलाओं की फर्टिलिटी पे असर डालते हैं। अब इसमें नंबर दो पे है ब्रेस्ट का सिस्ट। एक्चुअली होता क्या है, महिलाओं में 35 से 50 साल की उम्र में ब्रेस्ट में लंप जैसी स्ट्रक्चर हो जाती है और उसे हम ब्रेस्ट का सिस्ट कह सकते हैं। वैसे तो ये तकलीफ़ नहीं देते हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ने के कारण आगे तकलीफ़ हो सकती है और मीनोपॉज आने पे ये सिस्ट अपने आप घुल भी जाते हैं।
इस कड़ी में नेक्स्ट सिस्ट है पॉपलिटियल सिस्ट। यह हमारे घुटने के पीछे वाली जगह पे हो जाता है, इसलिए इसे पॉपलिटियल सिस्ट कहते हैं। जब हमारे घुटने के टेंडॉन्स या उसमें आर्थराइटिस हो गया है या कोई लिगामेंट रप्चर हो गया है, उसके कारण वहाँ सिस्ट हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। इसके बाद है म्यूकस सिस्ट। दोस्तों, ये हमारे शरीर के मुंह के अंदर वाली लेयर या लिप्स के अंदर वाली लेयर में हो जाता है। ये कारण क्या है इसका मेन, जब म्यूकस ग्लैंड जो होती है वो वहाँ कहीं चोट लग गई है या किसी कारण से वो ब्लॉक हो गई है, तो यहाँ पे म्यूकस सिस्ट हो जाता है। ये पेनफुल होगा, रेड दिखेगा और पेशेंट को खाना खाने में तकलीफ होती है। नेक्स्ट है गैंग्लियोनिक सिस्ट। यह हमारे शरीर की कलाई वाले हिस्से में हो जाता है, कभी कभी पैर के एंकल जॉइंट पे भी देखा जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि ये जब छोटा होता है तो इतना तकलीफ नहीं देता है, लेकिन जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता जाता है, पेशेंट को वहाँ पेन होने लगता है, छूने पर यह हार्ड महसूस होता है, और जब और साइज़ बढ़ जाता है तो कभी कभी हाथ में या पैर में जहाँ वो होता है वहाँ उसको नंबनेस, मतलब हाथों में सुन्नपन फील होगा, झुनझुनी आ सकती है और कोई कोई सी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड भी हो सकती है। सिबेशियस सिस्ट भी एक प्रकार है सिस्ट का। जब हमारे शरीर में सिबेशियस ग्लैंड किसी भी कारण से ब्लॉक हो जाती है तो वहाँ पे सिबम कलेक्ट हो जाता है और पेशेंट को सिबेशियस सिस्ट हो जाता है। दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर में जहाँ जहाँ ग्लैंड है वो किसी भी कारण से यदि स्टॉप हो गई हैं तो वहाँ पर सिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि पेशेंट को अंडर आर्म्स में या प्राइवेट पार्ट के आसपास हेयर ग्रोथ होती है और हेयर फॉलिकल किसी कारण से रप्चर हो जाए या फिर इंजर्ड हो जाए तो वहाँ पे भी सिस्ट फॉर्म हो सकता है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में और समझेंगे कि सिस्ट के केस में होम्योपैथी कैसे काम करती है। इसमें नंबर वन पे है रूटा जी। जब पेशेंट को गैंग्लियोनिक सिस्ट हो जाता है हाथों की कलाई पे या पैर में तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और वह अपने आप यदि घुलता नहीं है तो रूटा जी अच्छा काम करती है। नंबर टू, जब पेशेंट को बहुत हार्ड निडूल होता है और वह बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और ऐसा लगता है कि हड्डी बड़ी हुई है, तब कैल्केरिया फ्लोर 6S देने से पेशेंट को बहुत ज़्यादा आराम आ जाता है। फाइटोलेका दे सकते हैं ब्रेस्ट सिस्ट के केस में। जब महिलाओं को ब्रेस्ट में लम जैसी स्ट्रक्चर हो जाती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ भी देती है महीने के आसपास, तो फाइटोलेका दी जा सकती है। इसमें एक मेडिसिन और होती है मॉक्सॉल। जब पेशेंट को म्यूकस सिस्ट हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुँह के अंदर जब सिस्ट हो जाते हैं म्यूकस ग्लैंड के रप्चर होने के कारण, तो पेशेंट को मॉक्सॉल दी जा सकती है। इसमें पेशेंट को मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा जलन होगी और उसको खाना खाने में तकलीफ भी होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है स्टेफिसेग्रिया। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट की आंखों की पलकों में चैलेजियन सिस्ट हो जाते हैं, उसे हम स्टाय भी कहते हैं और उसे नॉर्मल भाषा में गोइनी भी कहा जाता है। जब पेशेंट को इस तरह की तकलीफ होती है तो स्टेफी बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, इसमें एक चीज़ और देखी गई है कि जब पेशेंट को बहुत लंबे समय से कोई गोइनी या स्टाय बनी हुई है और वो हार्ड नूडल की जैसी हो गई है तो भी स्टेफी उसको घुला देती है। इसमें लास्ट बट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है साइलिशिया। दोस्तों, जब पेशेंट का सिस्ट बहुत पुराना हो गया हो या तो उसका पस सूख गया हो, और यदि पस निकल भी रहा है तो बहुत ही बदबूदार स्मेल वाला पस निकल रहा है, यदि उसको एक्टिव भी है यदि है और पस उसमें से निकल भी रहा है और पेन भी हो रहा है, तो इन तीनों कंडीशन में साइलिशिया बहुत अच्छा काम करती है, पस को सुखा देती है और सिस्ट को पूरी तरह से ठीक कर देती है। दोस्तों, आज हमने यह जाना कि सिस्ट क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसमें होम्योपैथी मेडिसिन किस तरह से काम करती है। तो यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो, माय चैनल। थैंक यू।